उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव पर यह बताने की कोशिश की कि उनकी पार्टी बाला साहेब ठाकरे के आदर्शों पर चल रही है, लेकिन पता चला है कि महाविकास आघाड़ी पर आई इस आफत की जड़ में केवल एकनाथ शिंदे नहीं है, बल्कि असली खिलाड़ी तो कोई और है जिसने इतने बड़े सियासी ड्रामे की स्क्रिप्ट तैयार की और एक ऐसा खेल खेला जिसमें खुद उद्धव ठाकरे तक फंस गए। महाराष्ट्र की सरकार की नींव हिल गई, पूरी शिवसेना अब दो गुटों में बटी साफ दिख रही है, लेकिन दावा यह है कि महाराष्ट्र की सियासत में जो बिसात इस वक्त दिख रही है उसे बिछाने का काम एक साल पहले ही शुरू हो चुका था। इसके पीछे शिवसेना के ही एक विधायक हैं, ऐसे विधायक जिनकी मातोश्री में एंट्री पर भी बैन है। नाम है प्रताप सरनायक। ठाणे जिले की माजीवाड़ा सीट से विधायक प्रताप सरनायक को मौजूदा सियासी संकट की वजह माना जा रहा है। दावा है कि महाराष्ट्र के सियासी ड्रामे के पीछे असली दिमाग तो प्रताप सरनायक का ही है, जिन्होंने करीब एक साल पहले ही शिवसेना को तोड़ने की योजना बना ली थी। एकनाथ शिंदे तो को पहले ही प्रताप सरनायक ने कहानी के सबसे अहम किरदार के तौर पर चुन लिया था, जिसकी वजह भी साफ थी। एकनाथ शिंदे शिवसेना के सबसे सीनियर मंत्री तो थे ही, ठाकरे परिवार के बाद सबसे कद्दावर नेता भी हैं। ऊपर से ठाणे एकनाथ शिंदे का गढ़ माना जाता है, वही ठाणे जहां से प्रताप सरनायक भी विधायक हैं, इसलिए प्रताप सरनायक और एकनाथ शिंदे के बीच रिश्ते भी मजबूत हैं। वहीं एकनाथ शिंदे की सीएम बनने की महत्वाकांक्षा भी किसी से छुपी नहीं थी, इसीलिए दावा यह है कि प्रताप सरनायक की कहानी में एकनाथ शिंदे सबसे फिट बैठे। लेकिन अहम यह है कि आखिर एकनाथ शिंदे की अदावत शुरू कैसे हुई, तो उसकी बुनियाद में एक चिट्ठी है जो उन्होंने पिछले साल उद्धव ठाकरे को लिखी थी। इस चिट्ठी में प्रताप सरनायक ने उद्धव ठाकरे को सुझाव दिया था कि एनसीपी और कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बनाई जाए। उनकी शिकायत यह थी कि महाअघाड़ी की सरकार में शिवसेना के कार्यकर्ताओं का शोषण हो रहा। हालांकि उनकी इस चिट्ठी के पीछे भी एक बड़ी घटना थी। दावा यह है कि ईडी का एक छापा प्रताप सरनायक के ठिकानों पर पड़ा था। उस छापे ने प्रताप सरनायक की सोच और विचार दोनों बदल दिए। प्रताप सरनायक पर ऐसा असर हुआ कि उन्होंने उद्धव को बीजेपी के साथ हाथ मिलाने का सुझाव दे दिया। लेकिन चिट्ठी मिलने के बाद प्रताप सरनायक अपनी ही पार्टी में अलग थलग पड़ गए। खबर है कि उद्धव ठाकरे ने उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया और तभी से प्रताप सरनायक ने खिचड़ी पकानी शुरू कर दी। उन्होंने शिवसेना के एक एक विधायक को टारगेट करना शुरू कर दिया, एक ऐसा प्लान तैयार किया जिसमें एकनाथ शिंदे को सबसे बड़ी भूमिका दी गई। दावा यह किया जा रहा है कि प्रताप सरनायक का प्लान ही उद्धव की पूरी सरकार पर भारी पड़ गया।